com, पत्रिका चैनल आपकी आवाज आपको रखी सबसे आगे। यूपी बुलेटिन लाइव मुजफ्फरनगर से प्रभारी एस कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर शनिवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार व विशिष्ट अतिथि ब्लड बैंक ऑफिसर PK त्यागी रहे। कैंप में 50 लोगों ने रक्तदान किया। CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि ब्लड देने से किसी को कोई कमजोरी नहीं आती है। क्लब अध्यक्ष रोटरी प्रगति कुमार ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन समाज सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करता है। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब समाज सेवा में आगे भी ऐसे कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटरी राहुल अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, हर्ष पूरी रहे आए वरिष्ठ रोटरियन सुनील अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान महादान है, आए इसे ल करना चाहिए, ये बड़े पुण्य का काम है। आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास धीमान, नीरज गर्ग, राहुल अग्रवाल, हर्ष पुरी, परविंदर पाल, नमन बंसल, अमित कुच्छल, पारुल कुच्छल, देवेंद्र अरोरा, विपुल भटनागर, शैलेश कुच्छल, मनीष अग्रवाल, RC मिश्रा, अमित सिंघल व समस्त रोटरी क्लब मिडटाउन परिवार का सहयोग रहा। क्लब सचिव रोटरी राजकुमार गुप्ता ने आने वाले सभी रोटरियन साथ आज यहाँ ब्लड बैंक में रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर की तरफ से ब्लड डोनेशन का किया गया, रक्तदान का। और ये लोग अक्सर करते रहते हैं, साल में कई बार रक्तदान का आयोजन करते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ सुनील अग्रवाल जी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी प्रेरणा मिलती है इससे लोगों को। और क्योंकि रक्तदान से बड़ा दान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ना खरीद सकते हम। रक्त तो केवल मनुष्य के शरीर में ही होता है और इसमें जो लोग रक्तदान करते हैं वो लोग भी बहुत प्रेरणा का स्रोत हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो कई बार साल में रक्तदान करते रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है और इससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। इसके लिए रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय देते हुए आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। मैं प्रगति कुमार, रोटेरियन प्रगति कुमार, मुजफ्फरनगर क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन का अध्यक्ष हूँ। और आज हमने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया है जिसमें कि लगभग 50 सदस्य हमारे ब्लड डोनेट करेंगे। और ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य रोटेरियन सुनील अग्रवाल जी ने बताया, जिससे कि आप जो सदस्य ब्लड देते हैं उनको भी इससे स्वास्थ्य में काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि नया ब्लड बनता है। एक सदस्य 3 महीने में एक दफ़ा दे सकता है ब्लड, तो हम लगभग 4 दफ़ा अपना ये ब्लड कैंप लगाते हैं, जिसमें कि इस वर्ष का पहला ब्लड कैंप हमने आज कैंप लगाया है। आज बड़े हर्ष का विषय है, रोटरी क्लब मिडटाउन द्वारा एक विशाल मेगा ब्लड कैंप यहाँ लगाया जा रहा है। रोटरी मिडटाउन पहले भी लगाती रही है, हर साल हम 3-4 ब्लड कैंप लगाते हैं। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, ये हमें अवश्य कहना चाहिए। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि रक्त देने से दिक्कत होती है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। 3 महीने बाद रक्त देना चाहिए, आपका दिया हुआ दान ही किसी किसी की जान बचाता है। आजकल डेंगू और बीमारियाँ और इसके अलावा बुखार की बीमारियाँ बहुत चल रही हैं, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, इस वजह से ब्लड की बड़ी आवश्यकता है। तो हमें ये दान अवश्य करना चाहिए, बड़ा पुण्य काम है। आज बड़े हमारी संख्या में रोटी परिवार के मेम्बरों ने रक्त दिया है, इससे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 50 लोग रक्त देने से भावना, 20-25 लोग आ चुके हैं और लोग भी संख्या में आने वाले हैं। और रक्तदान के बिना कोई काम चलता, मैं सभी से प्रेरित करता हूँ, आप भी करें औरों को प्रेरित करें। पहले क्या हुआ करता था, जब हमें इसका कार्ड मिला करता था तो खाली हम मुजफ्फरनगर से ब्लड लेते थे, अब यूपी गवर्नमेंट ने इसका नया रूप बना दिया है। अब हम कहीं भी यूपी में जाके अपने कार्ड से ब्लड ले सकते हैं। अगर हमारे किसी रिश्तेदार को लखनऊ में जरूरत है ब्लड की और हमने जहाँ ब्लड दिया है हमें वहाँ भी ब्लड मिलेगा, ये बड़ी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इसके लिए मैं पूरी गवर्नमेंट यूपी सरकार को, यूपी सरकार को बधाई देता हूँ, अपने मेंबरों का धन्यवाद देता हूँ। आज के ब्लड चेयरमैन हमारे हर्षपुरी जी, राहुल अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी है और सभी मिट्टल परिवार के मेंबरों ने तन मन धन से सहयोग दिया, ब्लड भी दिया और सारे काम किए। इसके लिए सब स्वागत।